भारत में आज आजाद के अमृत महोत्सव देश भर में कार्यक्रम मना रहे हैं। कोरोना के बाद आज जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को हम और जोर से हर प्रांत में हर गांव में इस कार्यक्रम को भागीदारी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दो तीन कार्यक्रम प्रमुख रूप से एक कार्यक्रम जो इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को है, इस योगा हर गांव में हर शहर में हर स्कूल में हर घर में होना चाहिए। इसके लिए भी आजाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में इस योगा महोत्सव को और सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे। उसके साथ साथ जो 15 अगस्त को 15 अगस्त को भारत को आजाद मिलकर 75 ईयर्स होने वाला है, उस दिन जितने भी देश में रहने वाले हर घर पे हर व्यक्ति अपना तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, हर घर में झंडा लहराकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। इसके लिए भी कार्यक्रम बना रहे और जितने भी अनसंग हीरोस है उनके ऊपर हम वीडियोस निकाल रहे, सीरियल्स निकाल रहे, बुक्स प्रिंट कर रहे और सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे, हर जगह उनके गांव जन्म स्थान पर जाकर कार्यक्रम कर रहे। हर हर जगह इसका कार्यक्रम का हम जन भागीदारी करने के लिए प्रयास करें। इस कमिटी का आजाद महोत्सव कमिटी का चेयरमैन आदरणीय प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे। इस कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन करने का जिम्मेदारी चेयरमैन के नाते गृहमंत्री और सहकार मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहे। इसका पूरा इस कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन का नोडल मिनिस्ट्री के नाते संस्कृति मंत्रालय काम कर रहे और मेरे को पूरा विश्वास है आज 15 अगस्त तक इस जोर पकड़ेगा, 23 अगस्त तक पूरा जनता जनभागीदारी करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आजाद का अमृत महोत्सव में सभी लोगों को भागीदारी करेंगे, सभी जितने भी स्वतंत्र सेनानी है सभी स्वतंत्र सेनानी के गांव में जाएंगे, सभी स्वतंत्र सेनानी का सम्मान करेंगे, उनका परिवारों को सम्मान करेंगे। और ये कार्यक्रम में मैं देश के जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, राजनीति से उठकर आना चाहिए, हमारे लिए गर्व का विषय है, ये गर्व का विषय है। हम सभी लोगों को इसमें भागीदार होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ।